शरीफ है कि आसम ने फरमाया मुस्नद अहमद में अल्लाह ना कि मैंने अल्लाह को देखा, अल्लाह ने मेरे सीने पे हाथ रखा और मुझे फिर सब कुछ नजर आ गया और मैंने सब कुछ को समझ भी लिया। आप ने अल्लाह को तो नहीं देखा ना, तो ये क्या हदीस ही सही है? नहीं, अल्लाह को नहीं देखा। तो ये ये रोयत जो है ना, ये देखना, हाँ ये उस हदीस में ये ख्वाब का देखना, ये बेदारी का नहीं कि जागते हुए देखा। ये इसमें ये आता कि सूरज करीम अलैहिस्सलाम एक दिन बहुत देर से आए जमात के लिए, फजर के लिए, अच्छा सूरज निकलने के करीब था। तो आपने फिर नमाज पढ़ाई मुख्तर अब्बास अपनी जगह बैठे रहो, तो कहा मैं जरा ऊंग गया था, तो ऊंग में मैंने अपने रब को बहुत खूबसूरत शक्ल में देखा। तो रब ने पूछा कि ये मलाए आला जो फरिश्तों की सुप्रीम काउंसिल, ये किस बारे में बहस मुबासा कर रहे हैं? तो मैंने कहा मैं कोई नहीं जानता। तो अल्लाह तआला ने दस्ते मुबारक रखा मेरी पुश्त पर और उसकी झंडक मैंने पुस्तानों में पाई, तो उससे मुझे हर शायद जो थी वाजे होगी। फतः जल्दी कुल्लो से ये बात को अपनी जगह से हरा कर दूसरी जगह ले जाने वाली बात है। ये तो बात सिर्फ फरिश्तों की थी कि जो बहस का पहले पूछा कि ये किस चीज में बहस कर रहे हैं, उनकी बड़ी काउंसिल है ना मलाउल। जी तो मैंने कहा नहीं पता, कब हाथ रखा तो वो हर शह मालूम होगी जो फरिश्ते कर रहे थे। फिर अल्लाह ने पूछा कि अब बताओ, मैंने कहा ये कफारात और दराजात में बहस कर रहे हैं कि वो कौन से अमल हैं जिनसे गुनाह माफ होते जाते हैं रबड़ की तरह, और वो कौन सी नेकियां जिनसे दर्जे बुलंद होते हैं। वो बयान भी आपने तीन तीन चीजें की, और साथ फरमाया कि एक दुआ भी अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में सिखाई, बड़ी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका उसने हुब्बल मसाकीन और सारा इस तरह हुब्बल खैरात करकर मुनकरात वगैरह। अच्छा, तो ख्वाब की बात है, और जो हर शायद जाहिर हुई ना, और जो कहा किसी जहा रावी कहता जो कुछ आसमानों जमीन में सब पता लग गया, वो फरिश्तों की बात थी जो उनकी बहस थी, सारी बात खोल गई। इसलिए सारे उलमा और सारे जो भी यहाँ हंसी दूसरे लिखते आए कि जो अल्लाह ने उस वक्त चाहा वो सारा आपको पता चल गया। ख्वाब की बात है, ख्वाब की है, अच्छा जागते कि नहीं। नहीं तो अल्लाह को देखते देखने का क्या करेंगे वो तो नहीं, अल्लाह को देखना ख्वाब में तो देखना कि जी दो चीजें नहीं नजर आने वाली, मतलब आपने इलम को देखा कि वो दूध है, आपने पी लिया और बाकी हजरत उमर को दे दिया। लिबास देखे किसी के घुटनों तक थे, किसी के नीचे तक, हजरत उमर का पीछे घिसा आता था, आपने सुना ये तकवा। तो ख्वाब एक ऐसी दुनिया है जिसमें जो चीजें इस दुनिया में कोई जिस्म नहीं रखती, ना नजर आने वाली शायद वो भी मुतमसल हो जाती, उनकी एक शक्ल बनाकर दिखा दी जाती है। बाकी इमाम बुखारी वगैरह जो है ना वो तो सही कहते हैं, इमाम बहकी तो इसके भी मुनकर, उन्होंने इस पर बहस की है अपनी किताब असमा व सिफात में, ये भी रिवायत सही नहीं। अच्छा, इसीलिए बुखारी मुस्लिम वगैरह ने तो इसको नहीं लिखा। तो आपकी क्या राय है इससे? मेरी राय तो अगर मानना तो मानने को, ऐसा हर्ज नहीं, ख्वाब जो है ना उसमें सब कुछ नजर आता रहता है, वो हकीकत नहीं होती। ठीक है, अच्छा।